नमस्कार, मैं श्रेया यादव, आप देख रहे हैं क्राउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। आप खबरें विस्तार से। आईटी सेल का जो कार्य है, जो है आईटी सेल आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण पद है, जो है हमेशा लाइट में रहने वाला पद है। तो आपके साथ साथ आपकी इकाई में, जिस इकाई से आप जुड़े हैं, सोशल मीडिया पे आपकी इकाई में कितने लोग सक्रिय हैं, कितने लोग सक्रिय नहीं हैं, आप कैसे कार्य करते हैं, कैसे कार्य करना, कैसे लोगों को बताना है, जागरूक करना है, इन सब विषयों को लेकर के आज हम लोगों ने एक बैठक मीडिया की भी और आईटी सेल के सारे पदाधिकारियों को हम लोगों ने बुलाया था। जो आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि 2022 का महासमर प्रारंभ हुआ है और इस समर में किस प्रकार से आप अपना पक्ष और विपक्ष को जो है आपको डिकोड करना है, ये आपका जो दायित्व है, उन दायित्वों को कैसे हम सही से कर सकते हैं और आपके पास क्या सुझाव है, आप इस बैठक के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जानेंगे, समझेंगे। इस समय हम सब की भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे किस प्रकार से भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। 2017 से लेकर के 2022 में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में कार्य हुआ है, जिसकी तुलना हम पिछले कई वर्षों से करें बहुत ज्यादा है। जो हम उन कार्यों को कैसे लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक वो कार्य, सरकार की जो कार्यशैली रही है, कार्य रहा है 2017 से लेकर के 2022 तक, आम जनमानस तक कैसे पहुंचे, उसमें हमारी आईटी टीम का और महानगर के अंतर्गत जो मीडिया की टीम हमारी है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उसमें हो सकता है। तो अपने टीम के माध्यम से उन कार्यों को हम सबको करना है। आज हिंदू वाहिनी वाराणसी महानगर के मीडिया 12 हमारे मंडल के इकाई है, 12 मंडल के मीडिया प्रभारी और 12 मंडल के आईटी सेल की संयुक्त बैठक महानगर के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, जिसमें महानगर के प्रभारी मनीष मिश्रा जी, महानगर के संजय सुनील कुशवाहा जी, महानगर अजय सिंह जी के बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रहा कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कार्य किए हैं 2017 से 2022, इन की योजनाओं को जन जन तक का प्रचार प्रसार के लिए, साथ ही साथ संगठनात्मक कार्यशैली को और कार्य को और विस्तृत बेहद रूप से बढ़ाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी मंडलों के हमारे आईटी सेल और देखिए, जो गाइडलाइन चुनाव आयोग ने और WHO ने जो गाइडलाइन जारी किया है, उसी अनुसार हम सभी कार्यकर्ता बंधु कोविड नियमों का पालन करते हुए करेंगे। आज उसी के निमित्त हम लोग बैठक भी कर रहे हैं कि कैसे कार्य करना है, कार्यों को बांटना जो है, चूंकि अब भीड़ लगा करके कार्यक्रम नहीं करने हैं, जो है उसी के निमित्त हम लोगों ने प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक की है कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए चुनाव का प्रचार प्रसार किया जाए। क्राउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्राउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।